वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछा। मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास एट का चैप्टर स्लिप पढ़ेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि स्लिप चैप्टर है। तो सबसे पहले जो है ये पाठ संख्या दो हुआ आपका। तो यहाँ पर सबसे पहले है वार्मर। वार्मर का मतलब होता है सचेतक। तो पहले जो इस चैप्टर का मूल कारण है, तो इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये प्रश्न जो दिया गया है आखिर क्यों दिया है और इस चैप्टर में बताया क्या गया है। तो देखिए, कह रहा है व्हाई डू वी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हम लोग सोते क्यों हैं। तो डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है, क्या सभी लोग एक ही जैसे सोते हैं। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या आपने कभी स्वप्न देखा है। इफ यस, यदि हाँ तो नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक और डिसलाइक मोस्ट। यानी कि यदि आपने स्वप्न देखा है तो कहा जा रहा है कि नरेट कीजिए, यानी उसका वर्णन करने के लिए द ड्रीम्स, यानी उस स्वप्न को विच यू लाइक, जिसको कि आपने पसंद किया है या जिसको नापसंद किया है ज़्यादा। व्हाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, ये क्वेश्चन है कि हम लोग स्वप्न देखते ही क्यों हैं। तो ये क्वेश्चन का जवाब हमको इसके माध्यम से जानने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कह रहा है नो बडी नोज व्हाई वी स्लीप, कोई नहीं जानता है कि हम लोग सोते क्यों हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सबको इसकी ज़रूरत है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो, यानी कि स्लीप जो है वह हमारी मदद करता है। किस लिए? तो हमारे शरीर को और हमारे ब्रेन को डेवलप करने के लिए और विकास करने के लिए। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस, यानी हमारा बॉडी जो है उसको ज़रूरत है स्लीप का। किस लिए? टू स्टे हेल्दी, यानी स्वस्थ रहने के लिए, एंड फाइट सिकनेस, और बीमारी से लड़ने के लिए भी। ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप के दरमियान आवर मसल्स, हमारी जो मांसपेशियाएँ हैं, बोन्स हड्डी एंड स्किन, और हमारी जो त्वचा है, कैन ग्रो, यानी बढ़ सकता है। तो जब हम सोते हैं तो हमारा जो शरीर है उसका विकास होता है। क्या आपको कहीं पता चला इस चीज़ के बारे में कि जो है हम कैसे इतने बड़े हो गए? तो ये सोने के दरमियान ये सब होता है। एंड मसल्स स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज, यानी कि और जो है मसल्स, यानी जो मांसपेशियाँ हैं, जो हमारी त्वचा है और अन्य पार्ट जो है वो फिक्स हो जाता है, या उसमें जो भी परेशानियाँ होती है वो सोने के दरमियान जो है ठीक हो जाता है। आवर ब्रेन नीड स्लीप, हमारे ब्रेन को भी ज़रूरत है स्लीप का। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न, यानी कि स्लीप जो है वो मदद करता है हमारी ब्रेन को टू रिमेंबर, याद रखने के लिए, व्हाट वी लर्न, कि हमने क्या सीखा या हमने क्या पढ़ा। अगर हम नहीं सोएंगे तो हमारा जो है मानसिक रूप से जो है ब्रेन डेवलप नहीं कर पाएगा और हम उस चीज़ को भूल जाएंगे। इसलिए जो है सोना ज़रूरी है ताकि हमने जो पढ़ा वो याद रखा जाए। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सनट्रेट, यह और भी जो है, यानी स्लीप जो है मदद करता है हमारे ब्रेन को टू पे अटेंशन एंड कॉन्सनट्रेट, यानी किसी भी चीज़ पर एकाग्रचित होने के लिए भी। तो ये आपने पहला जो है पैराग्राफ क्या कह रहा था इसको समझा। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कितना सोएं या सोना कितना ज़रूरी है। बट एन एवरेज अडल्ट स्लीप फॉर 7 hours and 20 minutes, लेकिन एक एवरेज में यह देखा गया कि जो अडल्ट हैं, यानी कि जो वयस्क लोग हैं, वे जो है सोते हैं 7 hours 20 minutes। अबाउट 8% ऑफ अडल्ट्स आर हैप्पी विथ 5 hours और लेस ऑफ स्लीप एंड 4% वांट 10 hours और मोर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लगभग जो है 8% ऐसे व्यस्त पुरुष हैं जो खुश हैं 5 hours या उससे कम सोकर, जबकि 4% ऐसे अडल्ट हैं, ऐसे व्यस्क हैं, जो 10 hours या उससे अधिक सोना चाहते हैं। चिल्ड्रन के बारे में बताया जा रहा है कि चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 5 to 12 years नीड 10 to 11 hours ऑफ स्लीप इच नाइट, यानी कि जो बच्चे हैं जिनका उम्र 5 to 12 years तक है, उसको कम से कम 10 to 11 hours सोने की ज़रूरत है प्रत्येक रात को। बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 hours, यानी कि जो नवजात शिशु हैं, जो बच्चे हैं, उनको ज़रूरत है लगभग 14 to 18 hours सोने का। वेर इज द एल्डरली नीड
लेस देन डिड इट नॉट वैन यंग, यानी कि जबकि जो उम्र दराज लोग हैं उसको जितना वे युवावस्था में सोते थे उससे कहीं कम उसको सोने की आवश्यकता है या वे सोते भी हैं। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे, यानी अक्सर वे क्या करते हैं कि एक तरह का झपकी लेते हैं दिन के दरमियान। तो ये दूसरा पैराग्राफ में बताया गया था। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीसरा पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि देयर आर फाइव स्टेजेज इन वन स्लीप साइकिल, यानी कि एक स्लीप साइकिल के दरमियान पांच चरण होता है या पांच चरण से हमें स्लीप साइकिल के दरमियान गुजरना पड़ता है। इच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स, लगभग जो प्रत्येक स्लीप साइकिल होता है यानी कि स्लीप का जो चक्र होता है वह लगभग जो है 90 मिनट का होता है। तो द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि एक रात में जो है यह लगभग 5 से 6 बार जो है रिपीट होता है, यानी कि स्लीप का जो साइकिल है वह 5 से 6 बार जो है रिपीट होता है रात में। ड्यूरिंग द स्टेजेज 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल अस्लीप, यानी कि चरण एक में, यानी कि ड्यूरिंग द स्टेजेज 1 and 2 यानी कि 1 और 2 यानी प्रथम और दूसरे चरण में जो है आप क्या करते हैं फॉल अस्लीप यानी कि सो जाते हैं। बट आर नॉट इन डीप स्लीप, लेकिन आप गहरे नींद में उस समय नहीं होते हैं। ड्यूरिंग द स्टेजेज 3 and 4 यू आर इन डीप स्लीप, जबकि तीसरा और चौथा चरण जो होता है स्लीप का उसमें हम लोग गहरी नींद में रहते हैं। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, और हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है यानी धड़कन का जो दर होता है धड़कने का वह बहुत ही स्लो हो जाता है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और हमारा जो बॉडी होता है वह एक तरह से कहिए कि मोशनलेस हो जाता है यानी कोई गति नहीं करता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव, और जब 5वां चरण जो होता है स्लीप साइकिल का उसमें जो है हमारा ब्रेन जो है एक्टिव हो जाता है और हम स्वप्न देखते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM, यानी कि जिस समय हम लोग स्वप्न देखते हैं वह जो चरण होता है तो उसी को कहा जाता है कि स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में REM भी कह सकते हैं। ड्यूरिंग द REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट के दरमियान योर आईज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, यानी कि हमारे पुतली के अंदर जो है हमारी जो आँखें हैं वो बार बार जो है मूव करता है। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेस, यानी कि हमारा जो सामान्य स्लीप है वह मूल रूप से उसमें 2 अल्टरनेटिंग फेज होते हैं या 2 अल्टरनेटिंग फेज से बना होता है। फेज 1 इन वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, यानी पहला फेज में यानी पहला चरण में जो है कोई स्वप्न नहीं होता है यानी कोई स्वप्न हम लोग नहीं देखते हैं। यूजुअली सामान्यतया इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, यानी कि स्वप्न जो हम लोग देखते हैं वह मध्य रात्रि में हम लोग स्वप्न देखते हैं। अब आगे देखिए इधर यहाँ पर कि फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, यानी दूसरे चरण में हम लोग क्या करते हैं ड्रीम यानी स्वप्न देखते हैं। इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, यानी कि यह अक्सर जो है घटित होता है मतलब रात्रि के मध्य आगे के भाग में। फॉर वेराइंग पीरियड्स ऑफ टाइम, और काफ़ी देर तक हम लोग इसको स्वप्न देखते रहते हैं। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग द फेज, यदि आप उस समय जग जाएं तो यू विल ऑलमोस्ट सर्टनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, और आपको उस समय अगर आप जग जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि आपने क्या स्वप्न देखा है। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, हम जब सोते हैं तो हमारा जो शरीर का जो फंक्शन है वह बहुत धीमा हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, और हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है तापमान जो होता है वह गिरने लगता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24-hour साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स टाइम्स, इसका मतलब ये हुआ कि 24 घंटे के दरमियान हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है राइजेज होता है और एक समय आकर वह फिक्स टाइम पर जो है फिर खत्म हो जाता है यानी फिक्स टाइम पर जो है वह नॉर्मल यानी स्लो हो जाता है। तो नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोवेस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट, यानी कि सामान्यतया अगर देखा जाए तो बॉडी का जो टेम्परेचर है वह बहुत ही कम हो जाता है इन द मिडिल ऑफ द नाइट, यानी कि रात के मध्य भाग में जो है आते आते हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए हम रात में जब सोते हैं जब ठंडा लगने लगता है तो हम लोग चादर वगैरह सब ओढ़ लेते हैं, इसका रीजन यही है। एंड द हाइएस्ट इन द आफ्टरनून, और जो दोपहर के समय में हमारे शरीर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वैन यू गेट एनफ स्लीप
यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़। यदि हम लोग पर्याप्त अगर स्लीप ले लें, यानी कि अगर हम सोते हैं अगर पर्याप्त रूप से, तो हम क्या करते हैं विद्यालय में बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं और हम एक क्रिएटिव जो है कार्य करते हैं और एक नए नए विचारों को हम थिंक भी करते हैं। तो इसलिए सोना बहुत ही ज़रूरी है और टाइम टेबल पर सोना ज़रूरी है। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, और हम लोग अगर हम सही टाइम पर सोएंगे तो जो हमारी अंदर की जो बीमारी है वो भी कहीं ना कहीं जो है कम होगी और हम लोग स्टे हेल्दी रहेंगे, यानी स्वस्थ रहेंगे। बी इन ए गुड मूड, और एक अच्छे मूड में भी रहेंगे। एंड गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और अच्छे अपने दोस्त और अपने परिवार के साथ सही तरीके से पेश आएंगे। इफ़ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, यदि आप पर्याप्त जो है स्लीप नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप जो है भूल सकते हैं कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है। यू लर्न हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, और जब आप नहीं ढंग से सोइएगा तो जो आपने पढ़ा है तो उसमें आपको परेशानी होगी और आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है, देखिए। बी इन बेड मूड, हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर, और जब हम खराब मूड में होते हैं यानी कि ढंग से जब हम नहीं सो पाते हैं तो उस समय जो होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत परेशानी हमको झेलनी पड़ती है, चाहे वह गेम खेलें या किसी भी चीज़ में या कुछ भी करें तो हमको बहुत दिक्कत होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है अगर आप ढंग से नहीं सोइएगा तो या तो आप ये चीज़ से फेस कर सकते हैं, और भी आपको यदि कोई पेरेंट्स या टीचर यदि कुछ कह रहा है तो आप उसको सुनेंगे नहीं बल्कि उसको इग्नोर कर देंगे। एंड बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स ब्रदर एंड सिस्टर, और आप बहुत ही जो है मतलब धैर्य खो देंगे अपने दोस्त के साथ और ब्रदर और सिस्टर जो भी अगर आपसे कोई बातचीत करना चाहेगा तो आप जो है नहीं करना पसंद करेंगे। तो समटाइम्स एवरी वन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कभी कभी क्या होता है कि प्रत्येक को डिफ़िकल्टी हो जाती है स्लीपिंग में। क्यों हो जाती है कि जो है कई कारण हो सकता है इसके पीछे, आगे हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप नो हार्म इज डन, यदि आप थोड़ा एक दो घंटा अगर जग जाते हैं या लेट से सोते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, और थोड़ा जो है आपको अगले दिन जो है थोड़ा परेशानी हो सकता है, आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो सकते हैं। बट द बॉडी सून मेक अप फॉर द लॉस, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है बॉडी अपने आप को वह कंजस्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। हाउएवर, जबकि इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, और यदि आप एक दिन दो दिन लगातार जो है जगे रहते हैं या नहीं सोते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपका जो व्यवहार हो जाता है बहुत ही विचित्र हो जाता है। यू लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, और आप क्या करते हैं आपकी जो एबिलिटी होती है, जो आपकी क्षमता है, उसको आप खो देते हैं और जो भी आपको निर्णय लेना पड़ता है उसमें आपको बहुत असंगत महसूस करते हैं या आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है। यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम्स ड्रेंज्ड, और आप क्या करते हैं विचित्र तरीके से जो है इमेजिन करते हैं किसी भी चीज़ों को, एंड आपका जो बिहेवियर होता है यानी व्यवहार जो होता है वह जो है आपका व्यवहार बहुत ही असामान्य हो जाता है। ए लॉट ऑफ पीपुल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, अब आजकल देखा गया है कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि बहुत ही जो है दिक्कत होती है सोने में, या एक सीरियस प्रॉब्लम इसको हम कह सकते हैं स्लीप प्रॉब्लम। सम पीपुल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को पाते हैं कि वह ठीक तरीके से नहीं सो सके। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिसको बीमारी होता है या किसी कारण से परेशान है तो वह रात में जल्दी जग जाते हैं या जो है सवेरे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। देर आर नंबर ऑफ कॉजेज, यानी इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, यानी कि वरी यानी चिंता और जो डिप्रेशन होता है वह जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज हैं इस स्लिप में। तो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट स्लिप, और भी जो है कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट में उपलब्ध है वह भी कहीं ना कहीं स्लिप को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि नॉइज हो गया यानी कि ध्वनि, लाइट, प्रकाश, हीट यानी ताप, कोल्ड ठंडा, और न्यू सराउंडिंग्स और नए जो जगह पर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको
तकलीफ होती है सोने में, या अगर ध्वनि कहीं आवाज़ वगैरह सब आ रहा है तो वहाँ भी सोने में परेशानी है। लाइट यदि है रात में अगर सोते हैं बल्ब जलाकर तो वहाँ भी दिक्कत है। कभी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है वातावरण का तो वहाँ परेशानी है, या कभी खूब ज़्यादा ठंडा लगने लगता है तो वहाँ भी जो है सोने में परेशानी हो सकती है। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपुल अवेक, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो पेन होता है यानी कि जो दर्द होता है या कुछ बीमारी ऐसे हो जाते हैं जिस कारण से भी क्या होता है कि लोग जो है जगे रह जाते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्प्रोरी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, यानी कि हम में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सेप्ट करते हैं टेम्प्रोरी, यानी कि एक परमानेंट उसका स्लिप नहीं होता है बल्कि एक टेम्प्रोरी जो है स्लीपलेसनेस जो है विदाउट सीकिंग हेल्प, बिना हेल्प के जो है वे जो है कम सोते हैं। मैनी पीपुल बिकेम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स पाइल्स, कभी कभी क्या होता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिसको लत लग जाता है सोने का, वह ज़्यादा सोना पसंद करता है। बट स्लीपिंग पाइल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोमनिया, यानी कि कभी कभी क्या होता है सोने की बीमारी यानी अनिद्रा की बीमारी जिसको कहते हैं, यानी कि सोने का मतलब है कि उसको एक तरह का डिसऑर्डर जो है हो जाता है इस तरह से कि जो है स्लीपलेसनेस में परेशानी हो जाती है जिसको हम इंसोमिनिया कहते हैं अर्थात अनिद्रा की बीमारी कहते हैं। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, यदि यह अच्छा है कि आप इसको त्याग दें, ये सोना जरूरी नहीं है। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, यानी कि यह अच्छा है कि मतलब बहुत अच्छा है कि आप उस चीज़ को पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है, या आप स्लिप में जो है आपको परेशानी क्यों हो रही है, या आप क्यों सोना चाहते हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करिए और जितना जल्दी हो सके इसको आप रिमूव कीजिए ताकि इस तरह की बीमारी से आप बचे रहें। तो ये आपने समझा कि स्लिप चैप्टर में, इस चैप्टर में क्या बताया गया था। अब आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो आप देख सकते हैं। ये स्लिप था, ये क्लास 8 से संबंधित चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको पहला चैप्टर का बताया था वॉन्डर के बारे में। अब हम लोग आगे जो है द राजाज ड्रीम है कंटेंट्स में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस चीज़ का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक शेयर अवश्य कीजिए ताकि आपको बेनिफिट तो हो ही साथ साथ अन्य को भी बेनिफिट हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।